राजभर में भक्तिमय हुआ माहौल। माँ दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की आराधना में भक्त लीन। पट खुलते ही पूजा पंडालों में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी। और हजारीबाग के केरेडारी थाना क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा छुपाया गया भारी मात्रा में हथियार और गोली बरामद। गुड्डा और चतरा से मादक पदार्थों के साथ 5 गिरफ्तार। नमस्कार, खबरें झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत में 5G सेवाओं की शुरुआत की। इसके साथ ही देश में एक नए तकनीकी युग का शुभारंभ हो गया है। ये 5G सेवा फिलहाल देश के कुछ चुनिंदा शहरों में लोगों को मिल सकेगी, जिसका बाद में धीरे धीरे विस्तार होगा। प्रधानमंत्री ने इस दौरान 4 दिवसीय इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 6 संस्करण का भी उद्घाटन किया। असर नजर आना चाहिए। मैं देश के स्टूडेंट्स को भी चाहूंगा कि 5 दिन तक एग्जीबिशन चलने वाला है। मैं खास करके टेक्नोलॉजी से जुड़े स्टूडेंट्स से आग्रह करूंगा कि आप आइए, इसे देखिए, समझिए और कैसे दुनिया बदल रही है। और आप एक बार देखेंगे तो अनेक चीजें नई आपके भी ध्यान में आएगी, आप उसमें जोड़ सकते हैं। और मैं इस टेलीकॉम सेक्टर के लोगों से भी कहना चाहूंगा, मुझे खुशी होती थी जिस स्टॉल में मैं गया, हर कोई कहता था कि इंडिजीनियस है, कि आत्मनिर्भर है, ये हमने बनाया है। सब बड़े गर्व से कहते थे, मुझे आनंद हुआ। लेकिन मेरा दिमाग कुछ और चल रहा था। मैं ये सोच रहा था, जैसे कई प्रकार की कार आती हैं, हर एक की अपनी एक ब्रांड होती है, हर एक की अपनी विशेषता भी होती है, लेकिन उसमें जो स्पेयर पार्ट पहुंचाने वाले होते हैं वो एमएसएमई सेक्टर के होते हैं। और एक ही एमएसएमई के एक फैक्ट्री वाला 6 प्रकार की गाड़ियों के स्पेयर पार्ट बनाता है, छोटे मोटे जो भी सुधार करने करे वो देता है। मैं चाहता हूं कि आज हार्डवेयर भी आप लगाए रहे हैं, ऐसा लगा मुझे आपकी बातों से। क्या एमएसएमई सेक्टर को इसके लिए जो हार्डवेयर की जरूरत है, उसके छोटे छोटे पुर्जे बनाने के लिए उनको काम दिया जाए, बहुत बड़ा इकोसिस्टम बनाया जाए एकदम से। मैं व्यापारी तो नहीं हूं, मुझे रुपये पैसे से लेना देना नहीं है, लेकिन मैं इतना समझता हूं कि कॉस्ट एकदम कम हो जाएगी, एकदम कम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस में 5G सेवाओं से जुड़ी सेवाओं का अवलोकन किया। प्रधानमंत्री ने इस दौरान 5G से जुड़ी सेवाओं का अनुभव भी लिया। 5G तकनीक है, प्रधानमंत्री इसका एक्सपीरियंस करते हुए इस सर्विस का, 5G सर्विस का और इनका प्रयोग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात की जाए या फिर क्लाउड की बात की जाए, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एज कंप्यूटिंग के साथ 5G चौथी औद्योगिक क्रांति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रवर्तक हो सकता है। चतरा गया रेल लाइन परियोजना को रेल मंत्रालय की मंजूरी मिल गई है और जल्द ही इस पर काम शुरू होगा। जिले में परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। चतरा सांसद सुनील कुमार सिंह ने बताया कि लंबे समय से ठंडे बस्ते में पड़े चतरा गया रेल लाइन निर्माण परियोजना को रेल मंत्रालय ने अपनी अंतिम मंजूरी प्रदान कर दी है। सांसद ने बताया कि चतरा गया रेल लाइन परियोजना की लागत लगभग 5452 करोड़ रुपए होगी और 100 किलोमीटर के करीब रेल लाइन का निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि चतरा गया रेल लाइन में कुल 197 ब्रिज, ROB और टनल का भी निर्माण होगा। चतरा के लोगों की जो आकांक्षा थी, जो बरसों से रेल परियोजना चतरा गया रेल लाइन के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे थे, उसकी स्वीकृति की चिट्ठी
भारत सरकार के रेल मंत्री द्वारा प्राप्त हुई है और इसके लिए हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी को आभार दिया है। इस तरह गया सेक्शन के लिए भी अंतिम स्थान निर्धारण का सर्वेक्षण शुरू करने की योजना को भी रेल मंत्रालय ने अनुमोदित कर दिया। गया और चतरा जिले से होकर गुजरेगी और जिसमें अभी तक लगभग 197 कुल ब्रिज, जिसमें मेजर ब्रिज, माइनर ब्रिज, आरओबी, अंडरपास, टैनल इत्यादि हैं, इनकी स्वीकृति मिली है। उन्होंने कहा कि योजना के क्रियान्वयन को लेकर रेलवे बोर्ड ने भूमि अधिग्रहण के वास्ते 926 करोड़ रुपए का आवंटन जिला प्रशासन और राज्य सरकार को भेज दिया है, जिसके बाद जिले में भूमि अधिग्रहण का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। भारत सरकार के रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने अपने रिप्लाई में कहा था कि इस परियोजना की वर्तमान लागत 5452 करोड़ रुपए है, जिसमें भूमि के लिए 926 करोड़ रुपए की लागत शामिल है और राज्य सरकार के माध्यम से रेलवे द्वारा भूमि का अधिग्रहण शुरू कर दिया गया है। इधर चतरा जिले में रेल कनेक्टिविटी का रास्ता साफ होने से स्थानीय लोग और भाजपा कार्यकर्ता हर्षित हैं। लोगों ने आतिशबाजी करते हुए मिठाइयां बांटी तथा इस रेल लाइन परियोजना को मूर्त रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अपने सांसद सुनील कुमार सिंह का अभिनंदन किया। चतरा से अशोक तुलसियान की रिपोर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में आजादी एट 75 स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के तहत सबसे स्वच्छ राज्यों और शहरों को पुरस्कार प्रदान करेंगी। यह पुरस्कार कचरा मुक्त शहरों के दृष्टिकोण को लेकर स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 अभियान के पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में दिए जाएंगे। स्वच्छ राज्यों और शहरों को सम्मानित करेंगी। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न श्रेणियों में 160 से अधिक पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। यह दिवस अपशिष्ट मुक्त शहर बनाने के आकांक्षात्मक दृष्टिकोण के साथ प्रधानमंत्री द्वारा 1 अक्टूबर 2021 को स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के शुभारंभ की प्रथम वर्षगांठ को भी चिन्हित करेगा। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा इस पुरस्कार समारोह का आयोजन 17 सितंबर 2022 से 2 अक्टूबर 2022 तक स्वच्छ अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। इस पुरस्कार समारोह से स्वच्छता के प्रति शहरों के पूर्ण समर्पण को न केवल एक उपयुक्त सम्मान मिलने की आशा है, बल्कि ये कार्यक्रम सभी के लिए शहरी भारत को एक स्वच्छ, स्वस्थ और अधिक समावेशी पारिस्थितिकी इकोसिस्टम के निर्माण में अपनी प्रतिज्ञा को फिर से दोहराने के लिए एक स्पष्ट आह्वान भी है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी समेत तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। देशभर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 3,805 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 5,069 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 38,293 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कई नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि कई मरीज स्वस्थ भी हुए। रांची में इस दौरान कोरोना के एक भी नए मरीजों की पहचान नहीं की गई, जबकि 5 मरीज स्वस्थ हुए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची में कोविड के 19 मामले सक्रिय हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 2,18,68,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। भारत सरकार के आकांक्षी जिला प्रभारी पदाधिकारी कमलेश कुमार पंत ने सिमडेगा दौरे के क्रम में विभिन्न क्षेत्रों का परिभ्रमण करते हुए विकास कार्यों का निरीक्षण किया। आकांक्षी जिला सिमडेगा में विकास कार्यों की जमीनी हकीकत का जायजा लेने के क्रम में आकांक्षी जिला प्रभारी पदाधिकारी कमलेश कुमार पंत ने टुकू पानी पंचायत के आसन बेड़ा स्थित बंबू क्लस्टर सेंटर का निरीक्षण किया। यहां ग्रामीणों को बांस से आकर्षक सामग्रियों का निर्माण करते देख उन्होंने खुशी जाहिर की, साथ ही ग्रामीणों को निरंतर बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित भी किया। केंद्रीय आकांक्षी जिला प्रभारी पदाधिकारी ने रामबहार पहाड़ टोली तथा कुम्हार टोली में तालाबों का निरीक्षण किया और जल संरक्षण के उद्देश्य से शुरू की गई अमृत सरोवर मिशन के बारे में जानकारी ली। उन्होंने तालाब की मेड़ पर पौधारोपण कर पर्यावरण की रक्षा का भी संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों को जल संरक्षण के साथ ही मछली पालन और कृषि कार्य करने का सुझाव दिया।
खेती और इवन यहाँ मछली पालन भी हो रहा है, तो पूरे गांव की जो इकोनॉमी है, आर्थिकी है, उसको इससे सपोर्ट मिल रहा है, तो इस तरह के सरोवर और बनने चाहिए। श्री पंत ने सदर प्रखंड के जोकारी गांव में जल जीवन मिशन अंतर्गत नल से जल की सुविधा का निरीक्षण किया। इस दौरान पानी की शुद्धता की जांच भी की गई। मौके पर उपायुक्त आर रानीटा सहित जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। और जिससे कि पानी की उपलब्धता भी बढ़े, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, जमीन में पानी रिचार्ज भी हो, और गांव की के लोगों को अपने काम धंधे में भी, जैसे खेती में और फसल सब्जी उगाने में, बाकी ये फिशरीज में, इन सब में पानी की उपलब्धता हो। तो सिमडेगा जिला प्रशासन की सक्रियता और केंद्रीय पदाधिकारियों के निरंतर दिशा निर्देशन में आकांक्षी जिला योजना के तहत जिलों के समग्र विकास की कोशिश सिमडेगा में अब कारगर होती दिख रही है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का ग्राफ भी अब ऊंचा उठने लगा है। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा मनु की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अंबाजी मंदिर में पूजा अर्चना की और अंबाजी की महाआरती में शामिल हुए। और बाद में प्रधानमंत्री ने अंबाजी मंदिर में आरती भी की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंबाजी मंदिर में पूजा अर्चना की, वहां आरती की, और इस दौरान उनके साथ गुजरात शारदीय नवरात्र पर अधिकांश पूजा पंडालों के पट खुलने के साथ राज्यभर में माहौल भक्तिमय हो गया है और दुर्गोत्सव में खास और आम सभी शामिल हो रहे हैं। नवरात्र के छठे दिन आज मां दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की आराधना की जा रही है, जिसमें सभी भक्त लीन हैं। मंदिरों और पूजा पंडालों में अहले सुबह से ही भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश के अन्य इलाकों में भी दुर्गोत्सव की धूम है। कात्यायनी को सफलता और यश का प्रतीक माना जाता है। आज के दिन से दुर्गा पूजा पंडालों में पूजा अर्चना भी शुरू हो जाती है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक मां कात्यायनी ने महिषासुर राक्षस का वध किया था, इसी वजह से दुर्गा देवी के छठे रूप को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में मां कात्यायनी की आराधना करने के लिए सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। वहीं झंडेवालान मंदिर में भी माता के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्नी कल्पना सोरेन के साथ राजधानी रांची के रातू रोड स्थित आरआर स्पोर्टिंग क्लब पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। इस दौरान श्री सोरेन ने परिवार के साथ मां दुर्गा के दरबार में मत्था टेका और राज्य तथा राज्यवासियों की उन्नति, खुशहाली, सुख समृद्धि और शांति की कामना की। मौके पर राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने भी मां के दर्शन किए। मुख्यमंत्री ने हरमू रोड स्थित पंच मंदिर दुर्गा पूजा समिति के पूजा पंडाल का भी अनावरण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सपरिवार मां दुर्गा के दर्शन कर राज्य एवं राज्यवासियों के विकास, सुख शांति और खुशहाली की कामना की। Thank you.
जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने जमशेदपुर अंतर्गत कदमा शास्त्री नगर स्थित हिंद क्लब दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। लौह नगरी जमशेदपुर में दुर्गोत्सव की छटा देखते ही बन रही है। यहां विभिन्न पूजा समितियों ने एक से एक सुंदर और भव्य पूजा पंडालों का निर्माण कराया है, जिसमें खास और आम सभी पहुंच रहे हैं। कदमा शास्त्री नगर स्थित हिंद क्लब ने भी बेहद खूबसूरत दुर्गा पूजा पंडाल का निर्माण कराया है, जिसका बीती रात जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने उद्घाटन किया। इस दौरान श्री मुंडा ने पूजा पंडाल का अवलोकन किया और देश तथा राज्य के विकास के लिए मां दुर्गा से प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि दुर्गोत्सव मातृत्व शक्ति की आराधना का अनूठा त्योहार है। एक्नॉलेज करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं और सम्मान करते हैं सशक्तिकरण का। एक दुर्गा पूजा की ढेरों शुभकामनाएं देते हुए श्री मुंडा ने कहा कि पूरे देश में नवरात्र का उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें लोग सामूहिक रूप से शक्ति स्वरूपा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। संसार का उद्धार करने वाले एक शक्ति के रूप में हम पूजते हैं। जमशेदपुर अंतर्गत कदमा शास्त्री नगर स्थित इस पंडाल को अंदर और बाहर सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाया गया है। विद्युत सज्जा इसकी सुंदरता को चार चांद लगा रही है। ये पंडाल जमशेदपुर के सुंदरतम पंडालों में से एक है। डीडी झारखंड के लिए राजेश कुमार लाल दास की रिपोर्ट। पूर्वी सिंहभूम जिले के न्यू सिद्धगोड़ा दुर्गा एंड काली पूजा समिति के पूजा पंडाल का उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और पूर्व मंत्री सीपी सिंह ने संयुक्त रूप से किया। इधर काशीटी स्थित ठाकुर प्यारा सिंह धुरंधर सिंह क्लब के दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने किया। दुर्गा उत्सव के अवसर पर राज्य में विभिन्न संस्थाओं द्वारा नवरात्र में प्रतिदिन अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राजधानी रांची में ब्रह्म कुमारी संस्थान द्वारा पांच युगों का चैतन्य दर्शन एवं जीती जागती दुर्गा झांकी का आयोजन संगीत नृत्य के साथ किया जा रहा है। मौके पर रांची की महापौर आशा लकड़ा ने कहा कि ब्रह्म कुमारी बहन द्वारा पांच युगों का जीवंत दर्शन हमारे राष्ट्रीय एवं समाज के लिए सराहनीय कदम है। दर्शन करा रहे हैं सतयुग से लेकर के त्रेता द्वापर और कलयुग तक। ये कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे संस्कार के लिए बहुत ही सराहनीय कदम है। और आज तमाम अतिथियों का और बहन जी का और पूरे टीम का हार्दिक शुभकामना बधाई करती हूँ। दुर्गा पूजा के अवसर पर दूरदर्शन परिवार की ओर से जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दूरदर्शन कर्मियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
दूरदर्शन झारखंड पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है डीडी न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNUDDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। कोडरमा में दुर्गा पूजा के दौरान फायर सेफ्टी को लेकर विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। कोडरमा में दुर्गा पूजा के दौरान फायर ब्रिगेड की टीम को अलर्ट मोड पर रखा गया है। फायर अधिकारी शैलेंद्र किशोर ने बताया कि जिले के सभी पूजा पंडालों को अगलगी की घटनाओं से सुरक्षित रहने के लिए आगाह किया जा रहा है और पंडालों में तमाम इंतजाम करने की सलाह दी जा रही है। माँ तिलैया के जो पूजा दुर्गा पूजा पंडाल है उसमें आग से बचाव से संबंधित सुझाव हम लोग पूजा समिति को दे रहे हैं। इसमें सुझाव पंडाल के आकार के हिसाब से फायर एक्सटिंग्विशर स्थापित करने, पानी की व्यवस्था करने, बालू की व्यवस्था करने, प्रॉपर वायरिंग करने और जनरेटर को पंडाल से डिस्टेंस में रखने के साथ साथ भीड़ को प्रॉपर ढंग से नियंत्रित करने हेतु पूजा समिति को सुझाव दे रहे हैं। जिले के विभिन्न पूजा समितियों द्वारा भी अपने स्तर पर अगलगी की घटना पर रोक लगाने के लिए तमाम जरूरी उपाय किए जा रहे हैं। अगलगी पर काबू पाने के लिए पंडालों में यंत्र भी लगाए जा रहे हैं, साथ ही मेले में लगने वाली दुकानों के बीच की दूरी कम से कम 10 फीट निर्धारित की गई है ताकि अगलगी की घटना होने पर उसका फैलाव न हो सके। देखिए, समिति की ओर से फायर सेफ्टी को लेकर पूरी तरह से व्यवस्था कर रखी गई है। हम लोग देख रहे हैं फायर का जो यात्रा हम लोग उसको रिफिल करवा चुके हैं, 4 पीस हम लोगों ने रिफिल करवा लिया है और पंडाल के अंदर जो भी जैसे ज्वलनशील पदार्थ जैसे भी उसको अंदर लाने के लिए सख्त पाबंदी है। हमारे वॉलेंटियर इसके लिए उसको निर्देशित किया गया है, वो फुल एक्टिव मोड में रहेंगे। कोई भी श्रद्धालु अगर वैसे कुछ पटाखा वगैरह कुछ भी लेके आते हैं उन्हें पंडाल के बाहर ही रोक दिया जाएगा। कोडरमा में किसी भी अनहोनी के समय फायर ब्रिगेड की गाड़ी पूजा पंडालों तक बिना किसी रुकावट के पहुंच सके इसके लिए पूजा पंडालों तक अलग रूट का निर्धारण भी किया गया है। कोडरमा से गजेंद्र की रिपोर्ट। शारदीय नवरात्र में यूं तो एक से बढ़कर एक पूजा पंडालों का निर्माण कराया गया है, लेकिन शक्ति उपासना के इस पर्व में साधना और आराधना का भी अद्वितीय नजारा दिख रहा है। रामगढ़ के रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर परिसर में एक महिला साधक विश्व शांति के लिए अपने सीने पर 9 कलश रखकर 9 दिनों की साधना कर रही हैं। शारदीय नवरात्र के शुरू होते ही रामगढ़ रजरप्पा मां छिन्नमस्तिके सिद्धपीठ में दूर दराज के साधकों द्वारा विभिन्न तरह की साधनाएं की जा रही हैं। बिहार औरंगाबाद की एक महिला साधक चंचला देवी विश्व शांति के लिए अपने सीने पर 9 कलश रखकर 9 दिनों की साधना कर रही हैं। महिला साधक के पति मुन्ना सिंह ने बताया कि इस निर्जला साधना के दौरान वे 9 दिनों तक अन्न और जल भी ग्रहण नहीं करेंगी। रजरप्पा में माँ छिन्नमस्तिका सिद्धपीठ के पास में कलश अपने सीने पर 9 को रखकर कलश स्थापना की है। पिछले 8-9 वर्षों से यह महिला साधक विभिन्न क्षेत्रों में यह साधना लगातार करने के बाद इस वर्ष माँ छिन्नमस्तिका सिद्धपीठ में यह साधना कर रही हैं। कठिन हठयोग साधना के कारण इस महिला साधक की हर ओर चर्चा हो रही है। सही में जितना तरह का योग है उसमें हठ योग भी एक बहुत बड़ी चीज है। संत महात्मा कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक हाथ को ऊपर करके एक पैर पे खड़ा होकर साधना करते हैं। ये माता के मन में भाव आया कि 9 कलश को ये दुनिया पृथ्वी ब्रह्मांड है और एक ब्रह्मांड जो हमारा शरीर है, तो कोई दूसरे ब्रह्मांड में दूसरे पृथ्वी में न रख करके वो कलश को अपने हृदय स्थल छाती में रख करके माई का आराधना में रत है। ये बहुत बड़ा कठिन योग है। शारदीय नवरात्र पर रामगढ़ रजरप्पा के छिन्नमस्तिके मंदिर परिसर में इस महिला साधक की साधना अद्वितीय है, जो निश्चित रूप से हर किसी के बूते की बात नहीं है। यह तो भक्ति से मिलने वाली शक्ति है जो इस कठिन साधना को पूर्ण करने की एकमात्र ऊर्जा है। रामगढ़ रजरप्पा से के तिवारी की रिपोर्ट। हजारीबाग जिले के किरीडारी थाना के बगचोमा जंगल में सुरक्षा बलों ने संयुक्त कार्रवाई में
नक्सलियों द्वारा छुपाए गए भारी मात्रा में हथियार और गोली का जखीरा बरामद किया है। इस दौरान इंसास राइफल, कार्बाइन और पिस्टल की भी बरामदगी की गई है। उधर चतरा पुलिस ने सदर थाना क्षेत्र में वाहन तलाशी के क्रम में 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 37 ग्राम ब्राउन शुगर और एक मोटरसाइकिल जब्त किया गया। बाद में दोनों को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उधर गोड्डा जिले में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 3 युवकों को मादक पदार्थों तथा करीब 87,000 रुपए के साथ पकड़ा है, जिन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। खूंटी में फास्ट फूड का व्यवसाय कर बिरहू गांव की परी महिला समूह की महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। पेश है ये खास रिपोर्ट। सरकार की मदद और प्रोत्साहन से महिलाओं में आत्मनिर्भर बनने की ललक जगी है। छोटे स्तर से ही सही यहाँ की महिलाएं ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान से ट्रेंड होकर फास्ट फूड का व्यवसाय कर मुनाफा कमा रही हैं, जिसकी खुशी उनके चेहरों पर साफ झलकती है। तो हम लोग वहाँ से प्रशिक्षण लिए, सबको हम लोग सीख के आए, फिर हमको लगा कि नहीं, हम लोग प्रशिक्षण करके आए तो हम लोग को खोलने से ही बेहतर है। फिर हम मार्केट गए, फिर सामान खरीद के लाए और अभी छोटा ही सा खोले हैं, उतना बड़ा नहीं खोले हैं। जैसे जैसे मेरा पूंजी आते जाएगा हम व्यवसाय को बढ़ाते जाएंगे। खूंटी के बिरहू गांव की परी महिला समूह की इन महिलाओं को 10 दिवसीय प्रशिक्षण के माध्यम से लघु व्यवसाय के सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल की जानकारियां दी गई, जो उनके लिए व्यवसाय जमाने और बढ़ाने का मंत्र साबित हुआ। इनको RCT में हम लोग 2 तरह का प्रशिक्षण देते हैं, एक तो सॉफ्ट स्किल होती है और दूसरा हार्ड स्किल। सॉफ्ट स्किल में हम लोग उनको उनके आत्मविश्वास को निखारते हैं ताकि वो अपने जीवन में सफल हो पाए, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या होती है मेरे ग्रामीण क्षेत्र में कि वो अपने आप को खुल नहीं पाती हैं। और ये अच्छा मौका होता है RCT में उनको हुनरमंद बनाने के लिए कि जब तक एक व्यक्ति के अंदर में आत्मविश्वास नहीं होगा वो किसी व्यवसाय में आगे नहीं बढ़ पाता है। परी महिला समूह की 10 सदस्यों ने एक साथ स्टार स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र में RCT और बैंक ऑफ इंडिया के संयुक्त प्रयास से लघु व्यवसाय का प्रशिक्षण लिया है और अब वो सभी चाउमीन, धुसका, सिंघाड़ा समेत अन्य फास्ट फूड का व्यवसाय चलाकर आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं। शुरुआत में इन महिलाओं ने मिलकर 1,000 की पूंजी लगाई थी और मात्र 3 दिनों में उन्होंने दुगना मुनाफा कमाया। उसमें समोसा, धुसका, चाउमीन, पकौड़ा, उसमें 4 ही चीज अभी तो शुरुआत किए हैं और 4th दिन में ही हम लोग का हो गया। पूंजी लगा था 1,000 और 1,000 फायदा भी हो गया। अब परी महिला समूह बिरहू की महिलाएं अपने गांव में बने चबूतरों में बेरोजगारों की तरह बैठकर समय नहीं गुजारती हैं, बल्कि स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ चली हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में बदलते भारत का जीवंत उदाहरण है। और अंत में मुख्य समाचार। देश में नए तकनीकी युग का शुभारंभ, प्रधानमंत्री ने की 5G सेवाओं की शुरुआत, इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 6th संस्करण का भी किया उद्घाटन। चतरा गया रेल लाइन परियोजना को रेल मंत्रालय की मिली मंजूरी, परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू, स्थानीय लोग हर्षित। दुर्गोत्सव पर राज्यभर में भक्तिमय हुआ माहौल, मां दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की आराधना में भक्त लीन, पट खुलते ही पूजा पंडालों में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी। और हजारीबाग के किरेडारी थाना क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा छुपाया गया भारी मात्रा में हथियार और गोली बरामद, गोड्डा और चतरा से मादक पदार्थों के साथ 5 गिरफ्तार।